जी, आपने जो बात कही है वो इस देश के स्वाभिमान से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि इसी प्रकार से ब्रिटेन की हुकूमत ने जो हम पर राज कर रही थी उस वक्त, हमें गुलाम बना रखा था उन्होंने, उन्होंने भी इसी तरह से नेशनल हेराल्ड को रोकने की कोशिश करी थी ताकि ये अखबार ना छप सके, ताकि एकमात्र ऐसा अखबार जो लगातार लोगों के लिए अपनी आवाज उठाता रहा आजादी के आंदोलन में, और आज भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस सरकार के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है, आवाज उठाती रहेगी। मगर ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि महंगाई के मुद्दे पे हमने सबका मुंह बंद करा दिया। किसी भी नेता का आप देख लीजिए, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो, या कोई भी अन्य विपक्षी नेता, मगर अगर किसी को वो नहीं रोक पाए हैं तो वो है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी। इसीलिए राहुल गांधी जी से 5 दिन, 50 घंटे या 55 घंटे पूछताछ करने के बाद हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को भी इन्होंने बुलाया, परंतु इनका मन नहीं भरता, क्योंकि इन्होंने एक नैरेटिव सेट करना है, इन्होंने लोगों को गुमराह करके बताना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में चुनाव है, और एक तो लोगों के अंदर एक नैरेटिव सेट करना है कि हर विपक्षी जो है वो भ्रष्टाचारी, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी जानते हैं कि आवाज जो उठा रहा है उसको कैसे बंद करोगे आप, कहीं ऐसा ना हो कि ये आवाज जो उठ रही है राहुल गांधी के मुंह से, वो आवाज जो है वो पूरे देश में गूंजने लगे, क्योंकि मीडिया उनके हाथ में जरूर है, मेन स्ट्रीम मीडिया, लेकिन अगर आवाज उठने लगेगी और जनता जागरूक हो गई तो मोदी सरकार गिर जाएगी। मुझे बताइए राहुल जी कि ऐसा ऐसी क्या चीज है जो रोक रही है मोदी जी को इमरजेंसी लागू करने में? यह आपातकाल इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? मगर मोदी जी कायर है, मोदी जी डरपोक है, इसीलिए वो इमरजेंसी नहीं लगा सकते। केवल इंदिरा गांधी के ऊपर सवाल उठाते, मगर इंदिरा गांधी के ऊपर हिम्मत तो थी कि किन्हीं भी कारणों से उन्होंने लगाया, मगर खुल के लगाई थी इमरजेंसी। आज जो हो रहा है वो एक अघोषित आपातकाल है जो मोदी जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कायर है, वो डरते हैं, वो जानते हैं कि लोग अगर जागरूक हो रहे हैं तो वो भी कांग्रेस की वजह से हो रहे हैं। वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की कोशिश करते रहे, मगर कांग्रेस मुक्त भारत उनका सपना है, सपना रहेगा, देश को हम आजाद इनसे करवा कर रहेंगे। वो कुछ भी कर ले, किसी के ऊपर रेड कर ले, कोई भी चीज कर ले, हर सरकारी संस्थान को उन्होंने कब्जे में किया है, सरकारी संपत्तियों को बेचा है, जो ना तो वो अपने घर से लेके आए, ना भाजपा ने बनाई, भाजपा के पैदा होने के कई साल पहले से जो सरकार थी उन्होंने बनाई थी। मगर ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्या है, इतने कायर है कि मोदी जी जानते हैं कि हर राज्य में से उन्हें मुख्यमंत्री, कैबिनेट सब बदलते रहना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर क्षमता नहीं है। और या फिर कांग्रेस वाले लोगों को, ऑपोजिशन के लोगों को डरा के धमका के अपनी पार्टी में ले जाना पड़ता है ताकि कुछ क्रेडिबिलिटी नेताओं की भी आ सके। लेकिन जो आज मोदी जी कर रहे हैं इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, देश को गर्त में ले जा रहे हैं और हम चुप नहीं रहेंगे, कर ले जो करना चाहते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।